दीपावली और छठ महापर्व को लेकर नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई। दीपावली और छठ पर्व को लेकर एसडीओ अमित कुमार और टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में नगर थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह, सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। दीपावली और छठ पर्व के मध्य नगर टाउन एएसपी अवधेश दीक्षित और एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने निर्देश दिया, सभी घाटों की निगरानी जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, साथ ही छठ घाटों पर होड़ हंगामा करने वाले को चिन्हित किया जाएगा। कल होने वाले धनतेरस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और सरैयागंज टावर से लेकर सुनारपट्टी तक सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारी और जवान रहेंगे, जो झपट्टा मार गिरोह और बदमाशों पर नजर रखेंगे। इस बार बढ़ते प्रदूषण को लेकर पटाखा भी दीपावली से लेकर छठ पर्व तक बैन किया गया है। जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाना स्थित नगर थाना में एसडीओ और हमने जितना भी जिला शांति समिति और टाउन थाने की शांति समिति उनके साथ में मीटिंग की गई है। मीटिंग में हम लोगों ने जितने भी आने वाले पर्व जैसे कि छठ, दिवाली और धनतेरस पे जैसा भी शहर में विधि व्यवस्था और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के तैयारियां की जानी है, जो पहले से चला आ रहा है उसको लेकर के हमने सबसे फीडबैक लिया और आने वाली मतलब किस तरह से उसमें फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और क्या ट्रैफिक अरेंजमेंट रहेगा उसको लेकर के हम लोगों ने प्लानिंग किया और अकॉर्डिंगली एक ऑर्डर निकाला जाएगा। खास करके सुनारपट्टी देखा जाता है कल के दिन में, खास करके तो जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उधर हम लोगों का फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा और सारे सीनियर ऑफिसर्स भी जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उस पर लगातार गश्ती करते रहेंगे। जो बड़े जरूरी सब उसमें सारे लिबास में पुलिस रहेगी? बिल्कुल रहेगी। टाइमिंग क्या होगा जल्दी से पहले खोलने के लिए? टाइमिंग का ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जब तक क्राउड रहेगा, जब तक भीड़ आएगी तब तक वो लोग खोलें, उसमें हम लोग की तरफ से कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, पुलिस और प्रशासन एकदम अलर्ट रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने मैक्सिमम पॉइंट्स हैं वहाँ पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो सके। हाँ, पटाखे पे कौन से प्रतिबंध है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें मैक्सिमम उसका एनफोर्समेंट हो। दिवाली छठ को लेकर के कि जैसे कल धनतेरस है तो उस पर भीड़ काफी रहने की संभावना है, सरैगंज टावर से सोनारपट्टी और सूतापट्टी में, तो वहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जितना छठ घाट है उसका भी आज निरीक्षण किया गया और छठ पर्व और दीपावली पर्व हम लोग शांति से मनाए उसको लेकर के हम लोग शांति समिति सदस्यों के साथ बैठक किए हैं। इनके द्वारा हमेशा प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है जिसे हम लोग शांति से पर्व मना रहे हैं। हम लोग छठ और दीपावली भी अच्छे से मनाएं। पटाखों पर पाबंदी करेंगे? हाँ, पटाखों पे पूर्ण पाबंदी है, बाजार में उस पर कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विशेषकर सोना चांदी का जो ज्वेलरी दुकान है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था किया गया? मजिस्ट्रेट जो मुख्य जगह है वहाँ पे मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी और सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि छिनतई आदि की घटनाएं नहीं हो।